नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एफडीआर वीडियो सीरीज में भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के संग्रह के साथ मैं हूं आगा सिंह। एफडीआर वीडियो सीरीज का यह मेरा अंतिम वीडियो है। इस सीरीज में मैंने भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण और इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। जब क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा था तो ये ध्यान रखा जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हों और साथ ही साथ एग्ज़ाम के पैटर्न से भी आप परिचित हो सकें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पर आप बिल्कुल हमें सजेस्ट करिए और उस पर आधारित बहुत शीघ्र ही हम एक और वीडियो ले आएंगे जहाँ पर आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारा जो उद्देश्य है कि सारे टॉपिक्स को बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से आपको रिवाइज करवा दिया जाए, वह उद्देश्य परिपूर्ण हो सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न कहता है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, अर्थात किस आधार पर हम गरीबी का मापन करते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय और परिवार का उपभोग व्यय और अंतिम है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अभी वर्तमान पर जब गरीबी का अनुमान हम लगा रहे हैं गरीबी रेखा के आधार पर, तब हम आधार लेते हैं परिवार का उपभोग व्यय या फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली। पहले आधार लिया जाता था यहाँ पर कैलोरी इनटेक से, लेकिन बाद में ये आभास किया गया कि सिर्फ कैलोरी इनटेक से हम गरीबी का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन की या फिर जो न्यूनतम आवश्यकता होती है वो सिर्फ भोजन नहीं होते, और भी कुछ अन्य यहाँ पर आवश्यकताएं होती हैं और वो आवश्यकताओं के लिए भी किए गए खर्चों के आधार पर गरीबी का मापन किया जाना चाहिए। इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी दिखता है, परिवार का उपभोग व्यय। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न कहता है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आंकलित किया है। तो चलिए इस पर हम चर्चा पहले कुछ कर लेते हैं, उसके बाद सही ऑप्शन पर जाएंगे। 2004-05 में तेंदुलकर समिति का गठन किया गया निर्धनता या फिर गरीबी की जनसंख्या के मापन के लिए, और इस तेंदुलकर कमेटी ने कुछ यहाँ पर फॉर्मूले दिए। फॉर्मूला इस प्रकार था, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए दो अलग अलग यहाँ पर आंकड़े दर्शाए गए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए बोला गया कि अगर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 816 रुपये से कम है किसी एक व्यक्ति का और वह ग्रामीण अंचल पर निवास करता है, शहरी क्षेत्र पर यह रखा गया 1000 रुपये से कम, तो उस व्यक्ति को हम गरीब कहेंगे। और इस आधार पर जब तेंदुलकर समिति ने सन 2009 पर अपनी रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने बताया कि भारत में 37.2% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। लेकिन 2011-12 पर जब ये आंकड़े फिर से रिवाइज किए गए तब ये आंकड़े आए 21.9%। अब इस जानकारी के आधार पर अगर हम सही ऑप्शन का चयन करें तो सही ऑप्शन के तौर पर हमें मिलता है ऑप्शन बी, 37.2%। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न कहता है, डॉक्टर सी रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2011-12 में जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सही नहीं रहा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसमें क्या दर्शाया गया, तो रंगराजन समिति ने समस्त भारत के लिए जो निर्धनता के यहाँ पर अनुपात दर्शाए थे वह था 29.5%। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये सही है और दिए गए क्वेश्चन के लिए ये सही ऑप्शन नहीं बनता। जब हम देखें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में ये अनुपात 47.6% दी गई थी। जब हम चले आए गोवा में तो गोवा में ये 6.3%, और जब हम ऑप्शन डी राजस्थान पर पहुंचते हैं तो ये हमें मिलता है 21.7%। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर हम सही ऑप्शन के तौर पर छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का यहाँ पर दिया गया है 37.9%, लेकिन वास्तविकता में वो 47.6% थी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बनता है। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। छिपी बेरोजगारी का ही दूसरा नाम प्रचंड बेरोजगारी, इंग्लिश में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इससे तात्पर्य क्या होता है। चार ऑप्शन है, बेरोजगारी व्यक्तियों से,
गृहणियों में बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से। ऑप्शन डी कहता है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। तो चलिए इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। हम उदाहरण पर लेते हैं कृषि, क्योंकि प्रचंड बेरोजगारी बहुत ही व्यापक स्तर पर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। मान लेते हैं ये जमीन का एक टुकड़ा है और इस जमीन के टुकड़े पर अधिकतम जो इसकी उत्पादक क्षमता है मान लीजिए वो 100 यूनिट है। अब यूनिट पर आप कुंटल टन जो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं आप लगा लें, और इस 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है। अर्थात अगर 5 व्यक्ति आकर इस भूमि पर कार्य करते हैं तो इस भूमि की जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसे यहाँ पर वो निकाल पाएंगे। अब हम यह देखते हैं कि इस 5 व्यक्तियों की जगह अगर 50 व्यक्ति यहाँ पर संलग्न हो जाएं तो क्या इस भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी? तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस भूमि की मैक्सिमम पोटेंशियल ही 100 यूनिट है। तो इसका ये तात्पर्य है कि 5 व्यक्ति चाहिए थे लेकिन अधिक यहाँ पर 45 व्यक्तियों की संख्या दिख रही है। अर्थात ये 45 व्यक्ति अगर नहीं होते तो भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो चुका होता। ये 45 व्यक्ति यहाँ पर संलग्न है, कार्यरत हैं, लेकिन इनके होने से उत्पादकता में कोई भी हमें परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसे ही प्रचंड बेरोजगारी का उदाहरण कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी का, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर रोजगार पर दिख तो रहा है लेकिन उत्पादकता में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं देखने के कारण हम उसे बेरोजगारी की ही स्थिति कहते हैं। और छिपी हुई इसलिए क्योंकि रोजगार पर दिख तो रहा है लेकिन वो रोजगार पर नहीं है। तो इस तरीके से जब आप छिपी हुई बेरोजगारी समझते हैं तो सही ऑप्शन दिखता है ऑप्शन डी, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगा रहना। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 12th 5-year plan जो 2012 से लेकर 2017 तक संचालित की गई थी, इसका उद्देश्य था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और अगर इसे हिंदी में देखें तो ऑप्शन डी पर आपको दिखता है तीव्रतर धारणी एवं ज़्यादा समावेशी विकास, और ये हमारा सही ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन डी। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दो सूची यहाँ पर दी गई है, पहली सूची पर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में दिया गया है और सूची दो पर इन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के बारे में दिया गया है। हमें योजनाओं को उनकी अवधियों से मैच करना है और सही ऑप्शन तक जाना है। तो चलिए योजनाओं और उनकी अवधियों के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट 5-year प्लान का अगर आप टेन्योर देखें तो यह 1951 से 56 तक संचालित थी। जब हम देखें सेकेंड के बारे में तो व्याख्या नहीं किया गया है। हम थर्ड पर देखें, जब थर्ड 5-year प्लान देखें तो 61 से लेकर 66 तक इसकी अवधि थी। जब हम फोर्थ 5-year प्लान पर आते हैं तो इसकी अवधि हमें दिखती है 69 से लेकर 74 तक, और जब सिक्स्थ 5-year प्लान पर हम आते हैं तो हमें दिखता है 1980 से 1985 तक। अब इस अवधियों के आधार पर अगर हमें सही ऑप्शन चयन करना हो तो हमें दिखता है ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1। इस तरीके के प्रश्न CGPSC और अन्य राज्यों के स्टेट PCS में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। एक तरफ पंचवर्षीय योजना है और कौन से कार्यक्रम कौन से पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के रूप में थे उन्हें हमें मिलाते हुए सही ऑप्शन तक जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं प्रथम या फर्स्ट 5-year प्लान पर। इसकी अवधि जैसा आपको पता है 51 से 56 तक थी। ये वो दौर था जब देश आज़ाद हुआ था और उसके तुरंत बाद ही हम ये पंचवर्षीय योजना लेकर आए थे, और इस समय हम एक विसंगति देख रहे थे अपनी अर्थव्यवस्था पर। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हमें कृषि उत्पादों का आयात करना पड़ रहा था। तो इस योजना में सबसे पहले हमने जो प्राथमिक कदम उठाए वो कृषि क्षेत्र के सुधार पर लगाए और सामुदायिक विकास करते हुए कृषि क्षेत्र को विकसित करना, अर्थात हम इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इम्पोर्ट को कम करके अपने यहाँ पर उत्पादन बढ़ाकर अपने यहाँ पर खाद्य सुरक्षा को यहाँ पर सुनिश्चित करना चाहते थे। तो ऑप्शन या फिर योजना प्रथम योजना का जो आपको कार्यक्रम दिखता है वह कार्यक्रम दिखता है आपको सामुदायिक विकास। अब इस तौर पर आपका ऑप्शन ए हट जाता है क्योंकि ए का 1 दिया गया था ऑप्शन ए पर। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड 5-year प्लान पर। सेकेंड 5-year प्लान PC महल नोबिस मॉडल पर आधारित था और इस योजना पर हमने तीव्र औद्योगिकीकरण या फिर फास्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अपने ध्यान पर रखा।
हमने इसी दौर पर दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में लौह इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए थे। और इस तरीके से द्वितीय योजना का कार्यक्रम बन जाता है पहला कार्यक्रम तीव्र औद्योगिकीकरण। और इस आधार पर हमें दिखता है, चलिए अभी भी हमारे पास बी सी डी ऑप्शन पर बने हुए हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना पर जब हम आते हैं, थर्ड फाइव ईयर प्लान पर, तब इस योजना पर हमने अपने आधारभूत उद्योगों के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया। इस योजना के तहत हमने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा। हमने ऐसा लक्ष्य रखा कि हम अपने क्षेत्र पर ही ऐसे आधारभूत, चाहे वो उद्योग हो, सड़क हो, चाहे बिजली का उत्पादन हो, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित किए ताकि हम ज़्यादा तीव्र गति से अपने आप को विकसित कर सकें। तो तृतीय योजना का बन जाता है आधारभूत उद्योगों का प्रसार, और वो है आपका तीसरा कार्यक्रम। फिर आते हैं चतुर्थी योजना पर, फोर्थ फाइव ईयर पर हमने सेल्फ रिलायंस या फिर से आत्मनिर्भर और समृद्धि में स्थिरता को अपना लक्ष्य बनाया, जो चतुर्थ योजना का बन जाता है कार्यक्रम पांचवा। और पंचम योजना में हमने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को अपने ध्यान में रखा। और इस आधार पर अगर सही ऑप्शन दिखता है हमें, तो ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 5 और ई का 4। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो इसका आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल। देखिए, हेराल्ड डोमर मॉडल जो था, यह एक समृद्धि मॉडल था। महल नोबिस मॉडल सेकेंड फाइव ईयर प्लान का यहाँ पर आधार बनता है। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो टाइम पीरियड के हिसाब से हमें यहाँ पर अरेंज करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला यहाँ पर घटना है गरीबी हटाओ, दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और तीसरा है हरित क्रांति का प्रारंभ। देखिए, हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग अगर आप देखें तो 66 और 67 पर हमें देखने को मिलता है। जब हम बैंकों के नेशनलाइजेशन पर पहुंचे तो 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था 1969 में। और गरीबी हटाओ यह उद्देश्य स्थापित किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में। तो अगर आप देखें तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये पहला पॉइंट है। तो अगर इसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर पर चयन करना हो तो हमें दिखता है ऑप्शन बी, 3, 2 और 1। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, योजना अवकाश कब घोषित किया गया था, प्लान हॉलिडे। तो देखिए, जब हम आते हैं थर्ड फाइव ईयर प्लान पर, जिसकी अवधि थी 1961 से 1966 तक, इस फाइव ईयर प्लान पर हमने अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की थी, हम फेलियर देखे थे। और उसके पीछे जो कारण था वह था भारत और चीन युद्ध 1962, भारत और पाक युद्ध 1965, और 65 के वर्ष में ही भीषण सूखा भी पड़ा था। और इन तीनों ही कारणों से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी थी, जिस कारण से हमने थर्ड फाइव ईयर प्लान में जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे, उसे हम सफलतापूर्वक हासिल नहीं कर सके। साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि अगले 5 सालों का हम लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे थे। इसलिए 1966 से लेकर 1969 तक हमने 3 एनुअल प्लान लाए, 3 वार्षिक योजनाएँ लाई। और इस समय आप यह देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं अचानक से गायब हो गई थी, या फिर आप इसे ही कह देते हैं कि प्लान हॉलिडे था, या फिर पंचवर्षीय योजना नहीं थी, उनकी हॉलिडे थी, उनकी छुट्टी थी। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का बन जाता है ऑप्शन ए, थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न कहता है, महल नोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था, जिसमें मैंने आपसे पहले भी चर्चा कर लिया, और वह था दूसरा पंचवर्षीय योजना। इस मॉडल के आधार पर ही हमने फास्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अपने फोकस में लिया था। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, मानव विकास सूचकांक अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से संकेतक शामिल हैं। यहाँ पर 4 संकेतक दिए गए हैं, जीवन का स्तर, शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और चौथा है पर्यावरण या इन्वायरमेंट। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। जब भी हम मानव विकास सूचकांक या फिर हमारे जो सामाजिक आर्थिक जब संकेतक देखते हैं या फिर जो इनके रैंक देखते हैं, कहीं ना कहीं भारत इसमें पिछड़ा हुआ दिखता है।
ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आर्थिक वृद्धि या फिर आप जीडीपी ग्रोथ रेट के आधार पर देखें तो भारत एक अच्छी स्थिति पर दिखता है, तुलनात्मक रूप से छठवें सातवें स्थान पर। लेकिन जब उस आर्थिक वृद्धि का असर हम मानव विकास पर देखते हैं तो थोड़ा चिंता होता है, क्योंकि सातवें रैंक और छठवें रैंक में होने के बावजूद हम 129-130 रैंक पर आकर रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि यह सुनिश्चित नहीं करता कि मानव विकास भी होगा। आर्थिक वृद्धि को मानव विकास तक ले जाने के लिए कई यहाँ पर कदम उठाने चाहिए। तो चलिए इस आधार पर इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखें तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर जो संकेतक बनाए गए हैं वह तीन संकेतक हैं, और संकेतकों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्थात जीवन का स्तर है, फिर एक है एजुकेशन, और उसके बाद चला आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो इस आधार पर अगर आप सही ऑप्शन का चयन करें तो पर्यावरण को हटाते हुए हमें सही ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन बी। इसी पर आधारित या इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न हम डिस्कस कर लेते हैं, और साथ ही आपको यह पैटर्न हम समझाना चाह रहे हैं कि रैंकिंग आधारित प्रश्न भी CGPSC पूछता है, और रैंकिंग आधारित हम कुछ यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, और भी अन्य रैंकिंग आप ज़रूर पढ़ लें, उसका भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस बिल्कुल बनता है। क्वेश्चन कहता है, 2019 में HDI में भारत का क्या रैंक रहा, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या रहा जो 2019 में जारी किया गया। तो इसका सही उत्तर हमें दिखता है ऑप्शन ए, 129। ध्यान रखिएगा, इसके पूर्व में भारत का रैंक 130 था और फिर थोड़ा सुधार होते हुए हम 129 तक आए, लेकिन और सुधार की आवश्यकता ज़रूर है। अगला प्रश्न इसी पैटर्न पर आधारित है, सुमेलित करें, दो सूची दी गई है, कुछ सूचकांक है और उसमें भारत के स्थान को दूसरी सूची में दर्शाया गया है। ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का रैंक बनता है 102, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का रैंक बनता है 63, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक है 140 और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक है 141, और इस तरीके से हमें सही ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से इस वीडियो पर हम इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो की शुरुआत में कि कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं इंडियन ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण और इंडियन इकोनॉमी से, तो आप कमेंट सेक्शन पर बिल्कुल सजेस्ट करें, कोई भी टॉपिक आपका छूटा ना हो। अगर आप इसमें हिचकिचाते हैं या संकोच महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं FTR का जो उद्देश्य था वो विफल हो जाएगा या फिर अधूरा रह जाएगा। तो बिल्कुल आप बढ़ चढ़कर कमेंट करें, जिसे हम एक वीडियो पर सबको कंपाइल करके आपसे डिस्कशन कर लेंगे, जिसमें आपको संतुष्टि हो और हमें खुशी महसूस हो। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।